America first. America first. Every decision. आवाज से आप पहचान गए होंगे, ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तारीख थी 20 जनवरी 2017। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ट्रेड, टैक्स, इरिगेशन, फॉरेन अफेयर्स के मामले में हर फैसला ऐसा लिया जाएगा जिससे अमेरिकी कामगारों और परिवारों को फायदा हो। पिछली बार चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नारा बुलंद किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने किया क्या? आज की वीडियो में हम आपके साथ इसी बात की पड़ताल करेंगे कि अमेरिका ने ट्रेड, डिप्लोमेसी, डिफेंस, इन्वायरमेंट के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यों की चर्चा करते हुए यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी नीतियों से बाकी दुनिया के साथ अमेरिका के संबंधों को किस तरह से बदल कर रख दिया। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ विशेषज्ञों के तर्कों को समझने की कोशिश करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या ट्रंप ने शुरू किया ट्रेड वॉर? इसी सवाल की पड़ताल आज हम करेंगे। चैड बाउंड, जो सीनियर फेलो पिटिशन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सीनियर फेलोशिप रह चुके हैं, इनके अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के हर बड़े ट्रेडिंग पार्टनर से व्यापार के लिए लड़ाई की है। इसमें चीन के साथ तो ट्रेड वॉर शामिल ही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, मैक्सिको जैसे पारंपरिक सहयोगियों को भी नहीं छोड़ा। इसमें नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी शामिल है, जो अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको के बीच 1990 से जारी था। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की वजह से ट्रेड के मामले में ट्रंप प्रशासन का कोई दोस्त नहीं बचा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको से आने वाली स्टील, एल्युमिनियम पर टैरिफ बढ़ाया और क्रॉस बॉर्डर अरेंजमेंट तहस नहस करने की चेतावनी दी। इसका सीधा प्रभाव अमेरिकी कारखानों पर पड़ा जो स्टील, एल्युमिनियम पर निर्भर है, और मुझे लगता है कि इससे दुनिया भर के ज्यादातर देशों को यह संदेश मिला है कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए मनमाफिक डील होना जरूरी है। फिर भले ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर उसका बुरा असर ही क्यों ना पड़े, उन्होंने नियमों पर आधारित सिस्टम को तोड़ मरोड़ कर WTO को भी नजरअंदाज कर दिया है। इसकी वजह से पारंपरिक विवादों को निपटाना मुश्किल हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने उन नियमों को तोड़ दिया जो वर्षों से जारी थे। अमेरिका के कारोबारी संबंध सबसे ज्यादा खराब हुए चीन के साथ, गतिरोध बढ़ता गया, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की हदों को पार कर दिया गया। चीन के साथ पहले से जारी ट्रेड डील में राष्ट्रपति ट्रंप असंतुलन नजर आया। इसको संतुलित करने के लिए चीन से आ रहे सामान पर भारी टैरिफ लगा दिया गया, लेकिन चीन ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और गतिरोध लंबे समय तक बना रहा। फिर साल 2020 की शुरुआत में दोनों देशों में एक तरह से संघर्ष विराम हुआ। इस समझौते में राष्ट्रपति ट्रंप के लिए राजनीतिक तौर पर बड़ी बात यह थी कि चीन ने कहा कि वह 2 साल के भीतर अमेरिका से $200 अरब का अतिरिक्त आयात करेगा। जब विश्लेषकों ने इसे ठीक से समझा तो पता चला कि यह सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। इससे चुनाव मैदान में राष्ट्रपति ट्रंप को दम भरने में मदद मिली। वोटर्स को लुभाने के लिए वे कहने लगे कि देखिए, मैंने चीन के साथ $200 अरब की डील की है। विशेषज्ञ चैड बाउंड का मानना है कि अमेरिकी और चीनी ने अरबों डॉलर के जो टैरिफ जो एक दूसरे के सामान पर लगाए उसमें ट्रेड कम
पॉलिटिक्स ज्यादा थी। ट्रेड और टैरिफ के मामलों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रवैये का दुनिया के बाकी सभी देशों पर असर पड़ा। अमेरिकी टैरिफ की धमकियों को ठेंगा दिखाने के लिए ज्यादातर देशों ने अपने कारोबारी समीकरणों की समीक्षा की और नए देशों को अपने व्यापारिक साझेदार बनाया। यूरोपियन यूनियन ने जापान और कनाडा के साथ बड़े कारोबार समझौते किए। इसी तरह यूरोपियन यूनियन ने अर्जेंटीना और ब्राजील के साथ भी ऐसा ही किया। दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन ने कहा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी दुनिया अपनी देखे। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के इसी रवैये की वजह से इसकी कीमत अमेरिका के नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का आने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वे जीतते हैं या वे हार जाते हैं। ऐसे ही अपडेट्स को लेने के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे।